हे व्हाट्स अप गेमर्स गैंग, इट्स योर बॉयस एएसपी गेमर्स। तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम बनाने वाले हैं ऑटोमेटिक शुगर कैन फार्म। तो यार विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको इसे बनाने के लिए चाहिए क्या क्या है। वो तो आपके सामने लिखा हुआ दिख ही रहा होगा, फिर भी मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बता देता हूँ। शुगर कैन, वाइट कॉर्न क्रिस्प, चेस्ट, हॉपर एंड एक्सेट्रा। तो यार चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यार गाइस आप जहाँ पर भी ये बना रहे हो उधर पे 5 ब्लॉक्स की लेंथ रखना वाइट कंक्रीट की, और पीछे की तरफ 3 कंक्रीट रखना। तो यार गाइस आपको ऐसे ही पूरा कंप्लीट करना है जैसे कि मैं कर रहा हूँ। उसके आगे का मैं अभी बताता हूँ, पहले हम ये अच्छे से लगा लेते हैं। तो चलो जब तक हम ऐसे ही बात करते रहते हैं। यार गाइस आपको ऐसे बना के और उसके बाद एक एक लेयर और बढ़ा लेना है। तो चलो बढ़ाते हैं। अरे सैंड कैसे लग गया। तो इसको तोड़ते हैं और अपन फिर से अच्छे से बनाते हैं। एक एक लेयर अच्छे से पूरा रख देते हैं इसको। चलो रख देते हैं फटाफट। रखा जा भाई, जल्दी बन जा। चलो लगा दी। तो यार गाइस उसके बाद आपको ऐसे जैसे मैं लगा रहा हूँ लास्ट वाले पे, वैसे ही आपको कॉन्क्रीट लगा लेना है वैसे ही। और फिर उसके आगे आपको ऐसे करके सैंड लगा लेना है जैसे कि मैं लगा रहा हूँ। गलत लग रही है थोड़ी बहुत, तो ठीक है ऐसे लगा लेना है। तो यार गाइस आपको ऐसे ही ये कंक्रीट की ऐसी एक लेयर तोड़ लेना है क्योंकि हमें यहाँ पर हॉपर लगाना है। तो हॉपर लगाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लगाएंगे चेस्ट, क्योंकि इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चेस्ट ही है। तो हम चेस्ट लगा लेते हैं। तो यार गाइस अब आपको ऐसे ही क्या बोलते हैं हॉपर निकाल के अब आपको भी ऐसे ही हॉपर लगाते जाना है क्राउच करते करते। तो यार जैसे कि मैं अभी लगा रहा हूँ वैसे ही आप लगाते जाओ लगाओ, जल्दी जल्दी लग जा भाई। तो यार अब चल के ये देख लेते हैं कि चेस्ट हॉपर से कनेक्ट हुआ कि नहीं, हमें सारा सामान कहाँ जाएगा अपना। तो यार गाइस चलो अब हम इसको टेस्ट करने के लिए इस हॉपर के अंदर कुछ डाल के देखते हैं। तो चलो हम अपनी चेस्ट ही डाल देते हैं और फिर देखते हैं कि अपनी असली चेस्ट के अंदर के गई कि नहीं गई। ये मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ गई कि नहीं गई। तो यार सबसे पहले हम ये चेस्ट डाल के देखते हैं गई ये फेंकी, और अब हम जाके देखते हैं कि चेस्ट के अंदर गई कि नहीं। तो चलो चेस्ट के अंदर गई है। तो अब हम आगे का करते हैं कि आगे क्या करना है, मैं अभी आपको बताता हूँ चलो। तो यार गाइस उसके बाद आपको कवर करने लेना है जैसे कि मैं कर रहा हूँ। तो यार जब तक कवर कर रहे हैं हम तब तक हम थोड़ी टाइम पास कर लेते हैं। चलो कवर हो जाए भाई जल्दी। आपको ऐसे कवर करना है जैसे कि मैं कर रहा हूँ। तो यार जब तक आप वीडियो को लाइक कर रहे जब तक मैं कवर कर रहा हूँ, तो यार आपको ऐसे ही कवर करना है जैसे कि मैं कर रहा हूँ, और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। तो यार चलो अब देखते जाओ कि अब मैं कैसे कवर कर रहा हूँ। तो आपको ये सेम टू सेम मेरे जैसे ही कवर कर लेना है। चलो तो कवर करते हैं, उसके बाद मैं मिलता हूँ। अरे अरे रुको जरा, थाम्बा कहीं नहीं जा रहा हूँ मैं, अभी ये पूरा कवर तो कर ले पहले। चलो तो यार अब जो करना है मैं आपको वो बता। तो यार गाइस देन जैसे कि मैं यहाँ पर वाटर डाल रहा हूँ वैसे ही आपको भी वाटर डाल लेना है यहाँ पर। उसके बाद आपको लगाना है यहाँ पर शुगर कैन को, लगा लेते हैं शुगर कैन। तो यार गाइस शुगर कैन लगाने के बाद आपको इसे पीछे एक एक कंक्रीट की और ऐसे दीवार बना लेना है जैसे कि मैं बना रहा हूँ। तो यार आपको एक कॉर्नर पे दोनों साइड 3-3 ब्लॉक्स की दीवार ऐसे बना लेना है। तो मतलब 2 ब्लॉक्स इसके और ऊपर लगाना है, मतलब 3 ब्लॉक्स की ये दीवार हो जाएगी। तो यार गाइस फिर आपको पिस्टन निकालना है और जैसे कि मैं लगा रहा हूँ वैसे ही आपको क्राउच करके इस दीवार के ऊपर रख देना है जैसे कि मैं लगा रहा हूँ। तो यार गाइस उसके बाद देन आपको ऑब्जर्वर निकालना है और उसके बाद उसके ऊपर जैसे कि मैं रख रहा हूँ वैसे ही आप भी रख देना। तो यार गाइस ऑब्जर्वर को ऐसे रखना है कि जैसे कि शुगर कैन की तरफ उस ऑब्जर्वर की आँखें हों। तो दिख रहा है क्या आपको। तो इसके ऊपर फिर आपको ऐसे क्या बोलते हैं वाइट कॉन्क्रीट लगा देना है। तो ये देखो। तो यार गाइस अब आपको यहाँ पर पीछे आना और पिस्टन्स के ऊपर एक एक और वाइट कॉन्क्रीट लगा देना है। तो ये लग जाए, उसके बाद आपको क्या करना है आपको रेडस्टोन निकालना है और उसके बाद आपको रेडस्टोन ऐसे डालना है जैसे कि मैं लगा रहा हूँ रेडस्टोन की वायरिंग। तो यार गाइस उसके बाद आपको पूरा का पूरा ऐसे पैक कर लेना है जैसे कि मैं कर रहा हूँ। अगर आपको ऐसा फ्रेम अच्छा नहीं लगता है तो आप कोई दूसरे फ्रेम में भी बना सकते हो, सामने का दूसरा फ्रेम बना सकते हो। तो यार मुझे तो ऐसा ही अच्छा लग रहा है। अगर मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगा तो मैं ऑफलाइन में बाद में इसको सही कर लूँगा। तो यार अभी तो अपन ऐसे ही कर लेते हैं, ऐसे ही अपन को जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे ही भी आप बना सकते हो, या फिर आप अपनी मर्ज़ी से इसका फ्रेम बना सकते हो। तो अब यहाँ पर हम ग्लास लगा लेते हैं। तो ग्लास लगाते हैं जल्दी जल्दी। तो यार गाइस अब हम जल्दी से ग्लास लगा लेते हैं और उसके बाद का मैं आपको बताता हूँ। तो यार
मुझे कमेंट में बताना कि मैंने इस वीडियो में कितनी बार यार बोला है। तो यार गाइस, अब आपको चारों तरफ से ऐसे इसको कवर कर लेना है चारों साइड से। तो मैं अभी इस साइड से कर लेता हूँ, फिर अपन उस साइड से करेंगे। तो आपको ऐसे ही चारों साइड से कवर कर लेना है, तो आपको इस साइड से भी कवर करना है। अब आपको ऊपर जाना है और इसके ऊपर ऐसे ग्लास लगा लेते हैं अपन। और इसके साइड में हम जब एक और शुगर केन लगाएंगे तो ये नीचे वाला जो है वो कट के अपना होपर में गिर जाएगा। तो यार गाइस, आपको ऐसे ही शुगर केन बड़े कर लेना है। तो यार गाइस, जब ये शुगर केन ऑब्जर्वर तक आएंगे तो ये अपने ही आप कट जाएंगे और ये कट के सीधा होपर में गिरेंगे और होपर से डायरेक्ट चेस्ट में जाएंगे। तो यार, अगर आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं कराए तो वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो यार, अब हम करते हैं आगे का काम। तो ये देखो, ये ऐसे हम इसको बड़ा करेंगे तो ये आएगा और ये ऐसे ही करके कट हो जाएंगे ये शुगर केन, ये देख लिए। और फिर ये कट के सीधा होपर में गिरेंगे और होपर में जाने के बाद ये चेस्ट में आ जाएंगे सीधा। तो ये देखिएगा, इसलिए आपको ये होपर में से चेस्ट में आ चुके हैं। तो यार गाइस, ये पूरा का पूरा वर्क कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको और लगा के देख लेते हैं। तो अब हम और नहीं लगा के देखते हैं, नहीं तो फिर वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर और ग्लास लगा दिए हैं। तो यार गाइस, ये तैयार है हमारा ऑटोमेटिक शुगर केन फार्म। तो यार, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, लाइक कर दो वीडियो को। तो यार गाइस, अभी ये बन चुका है। तो यार, ये अब आपको ये जितनी भी साइड में गंदगी हुई है इसको अब आपको साफ़ कर देना है। मैं तो ऐसे ही, अब आपको इसे पूरा का पूरा साफ़ कर देना है। और ये तैयार है हमारा ऑटोमेटिक शुगर कैन फार्म। तो यार, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ यार, मैं एक चीज़ बोलना तो भूल ही गया कि सब्सक्राइब कर देना चैनल को भाई लोग।